सब्सक्राइब कीजिए हमारे मार्ग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें आज हम आपको एक बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन मल्टी डिलीशन नॉन वर्किंग लेजर्स कंपनी एंड आइटम्स के बारे में बताएंगे। कंपनी एंड नॉन वर्किंग आइटम्स ऑप्शन के थ्रू आप उन कंपनीज और आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं जिनके साथ अब आप डील नहीं कर रहे। मींस आपने उस कंपनी से 6 मंथ्स या उससे भी ज्यादा वक्त से कोई भी प्रोडक्ट परचेज या सेल नहीं किया है। और इसी तरह आप नॉन वर्किंग लेजर्स के थ्रू उन लेजर्स को भी डिलीट कर सकते हैं जिनके साथ आपने 6 मंथ से भी ज्यादा वक्त से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की। आइए आपको बताते हैं कि आपको इस ऑप्शन की जरूरत क्यों पड़ सकती है। ये ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल तब होगा जब आप अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस डेटा से फ्री करना चाहें, जिसकी वजह से स्लो बिलिंग होती है। तो स्लो बिलिंग का एक रीजन एक्सेस डेटा हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज बैंड होती हैं और आप उन कंपनीज के प्रोडक्ट सेल नहीं करते, या फिर आपके कस्टमर्स और सप्लायर्स के लेजर्स होते हैं जिनके साथ आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते और उनके लेजर बैलेंस जीरो होते हैं। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अब तक आपने एक भी ट्रांजैक्शन किसी कंपनी के लेजर्स और प्रोडक्ट से नहीं की और लेजर बैलेंस जीरो है तो मार्ग सॉफ्टवेयर उन लेजर्स और प्रोडक्ट को नॉन वर्किंग कंसिडर करता है। लेकिन अगर आपकी एक भी ट्रांजैक्शन उस लेजर या प्रोडक्ट के साथ हुई है तो सॉफ्टवेयर उस लेजर या प्रोडक्ट को नॉन वर्किंग कंसिडर नहीं करेगा। हम मार्ग सॉफ्टवेयर के न्यू यूजर्स या फिर उन यूजर्स को जो इस सॉफ्टवेयर में रेगुलर बिलिंग नहीं करते उन्हें इस ऑप्शन के लिए रिकमेंड नहीं करते। आपके इम्पोर्टेंट लेजर्स और प्रोडक्ट्स डिलीट हो सकते हैं। अगर आपके ऐसे प्रोडक्ट्स या कस्टमर्स हैं जिनके साथ आप फाइनेंशियल ईयर में एक या दो बार डील करते हैं, देन आप बाद में या जब भी जरूरत हो तो आप ऐसे आइटम्स या प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप डिलीटिंग नॉन वर्किंग आइटम्स एंड लेजर्स प्रोसेस पे जाने से पहले आप श्योर करेंगे कि आपने अपनी कंपनी का बैकअप ले लिया है। तो जब हम कंपनी एंड नॉन वर्किंग आइटम्स में एंटर करते हैं तो ये विंडो आपके सामने अपीयर होगी जहां आप टाइप करेंगे श्योर एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। सो ये सभी नॉन वर्किंग आइटम्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं और ये उन प्रोडक्ट्स की कंपनी है। स्पेस बार की प्रेस करेंगे उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए जो आप 1 by 1 डिलीट करना चाहते हैं। फिर प्रेस करते हैं स्टार की, देन प्रेस एंटर। इस तरह सॉफ्टवेयर आपको यहाँ बता रहा है कि 605 नॉन वर्किंग आइटम्स और एक नॉन वर्किंग कंपनी डिलीट हो चुकी है। अब देखते हैं नॉन वर्किंग लेजर्स डिलीट करने का प्रोसेस। तो जब आप इस ऑप्शन पर एंटर करेंगे तो ये विंडो आपके सामने अपीयर होगी जहां आप सिंपली श्योर टाइप करेंगे और फिर एंटर। देन सॉफ्टवेयर आपको सभी अकाउंट्स ग्रुप डिस्प्ले करेगा। अगर आप सभी नॉन वर्किंग लेजर्स डिलीट करना चाहते हैं जो इन ग्रुप्स के अंडर है तो आप प्रेस करेंगे स्टार की इन सबको सिलेक्ट करने के लिए और फिर एंटर प्रेस करेंगे डिलीट करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर अकाउंट ग्रुप लेजर डिलीट करना चाहते हैं देन आप वो अकाउंट ग्रुप सर्च करेंगे और उस पर एंटर कर देंगे। नाउ सपोज हम सिर्फ नॉन वर्किंग कस्टमर्स लेजर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च किया सन्ड्री डेटर्स, एंटर प्रेस करते हैं, फिर नॉन वर्किंग कस्टमर्स की लिस्ट अपीयर होगी। इन्हें सिलेक्ट करने के लिए प्रेस स्टार की और फिर एंटर प्रेस करेंगे इन सबको डिलीट करने के लिए। इस तरह सभी नॉन वर्किंग लेजर्स डिलीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में नॉन वर्किंग लेजर्स एंड प्रोडक्ट्स डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू।